मैंने सोचा था कि आज के बाद सब्सक्राइबर काउंट नहीं करने, मगर जब भी मोबाइल ऑन करता हूँ सबसे पहले सब्सक्राइबर ही चेक करता हूँ। आज बात इन चारों की होगी, अगर आप छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, नेवर माइंड। आज की वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ अपने लकी बेटे की, जो कि है साहिल। इसमें दो कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि ये प्री मेच्योर पैदा हुआ था, इसकी आई सेट का मसला है, और दूसरा जो है इसके पट्ठों की कमज़ोरी। डॉक्टर ने कहा है कि वक्त के साथ ये आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर जाएगा और बेहतरी आएगी। इसके लिए सोल बनवाया था मगर वो पहनता नहीं है, क्योंकि इसके पाँव पे छाले निकल आते थे, इस वजह से उसने वो सोल भी नहीं पहना, वरना वो टांगे उन्होंने कहा था ये लेवल सीधा रखें, इसमें बेहतरी होगी। मगर अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है मुझे ज़्यादा फील होता है। अब दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं इसकी, तो ये मेरा सबसे तेज़ बच्चा है, ये हर किसी को मारता रहता है, इसकी ज़िंदगी में कोई आराम नहीं है। इसका नाम है शाहजेब। देखा, अभी बोल ही रहा था, बस वो उठने भी दे दिया इसने, आ गया वापस। ये क्या है, हैं? पापा। पापा? ये क्या है, ये क्या है? गुगु। गुगु है। रात को ये सभी को मार के आ गया, वापस आके अपनी अम्मी को कहता है मारा सारा अभी, कि अभी मार के आ रहा हूँ सारों को। तो इसका इंट्रो वैसे इसी अंदाज में देना चाहिए, सारे बदमाश बच्चा है। I do it for real, it's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Hata. पीता रहता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, मगर ये बोलता अभी तक किसी तरह है। कोई भी बात हो, सिर्फ मेन लफ्ज़ जो है वही बोलता है, बाकी जो आम लफ्ज़ होते हैं छोटे मोटे वो बोलने की ज़हमत भी नहीं करता। लास्ट में बात करते हैं अब तौहीद की। तो ये टोटल डिफरेंट नेम है बाकी सभी से, ये इसलिए नाम डिफरेंट रख लिया क्योंकि भाई खुद ही कंफ्यूज होता रहता था। कभी शाहजेब को बुलाना होता था तो सारे मुंह से निकल जाता था, सारिफ को बुलाना होता था साहिल निकल जाता था, तो ये कन्फ्यूजन ही रहती थी। शेप भी सारिफ में मुझे यानी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती थी, इस वजह से मैंने सोचा कि एस को अब कैंसिल करते हैं और टी सीरीज जो है वो शुरू करते हैं।